ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हो गया हमारे चैनल नोमी ब्लॉगर पर। सो कार रिव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं नोमी ब्लॉगर। सो आज की वीडियो में हम लोग जिस गाड़ी का आपको रिव्यू देंगे उसका नाम है रेस। सो बिरला वंश के सॉरी रेस इसके आज की वीडियो में हम लोग जो है इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। सो बिरला वंश के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इस गाड़ी के मेक मॉडल की बात कीजिए तो ये जो है 2021 मॉडल है, और इस गाड़ी की प्राइस की अगर बात कीजिए तो ये जो है 72 लाख की है और ये गाड़ी 48,000 किलोमीटर चली हुई है। ये जो है रेस का फुल ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। सो सबसे पहले अगर इस गाड़ी की फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट से ये आपको जो है जो इंडिकेटर दे रहे हैं उसकी लाइट्स आपको जो है होंडा HR-V जैसी दी जाती है। बट फ्रंट पे अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है HR-V की लुक ऑफर करते हैं। नीचे की तरफ आपको इसकी जो है फ्रंट हेड लाइट्स में ऑटो का फीचर ऑफर किया जाता है। ये डे या नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। ये होने के बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं जी इस गाड़ी का फोग लैंप। इस गाड़ी का फोग लैंप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टाइलिश सा नजर आता है। यहाँ पर आपको जो है डबल लाइट्स दी जाती है और ये गाड़ी आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। लेफ्ट एंड राइट ये गाड़ी आपको फ्रंट पे जो है दो पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको जो है इसका फ्रंट बोनट नज़र आता है जो कि प्लास्टिक की गार्निश में ब्लैक कलर में। और फिर अगर बात की जाए ऊपर वाली साइड की तो यहाँ पर आपको जो है फ्रंट ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ही दी जाती है। और ये इस गाड़ी का जो है मोनोग्राम है ये ब्लू कलर होता है, लाइक ये जो गाड़ी है हाइब्रिड होती है। साथ ही साथ लेफ्ट एंड राइट ये गाड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए ऊपर फ्रंट बोनट की तो यहाँ पर आपको जो है इसमें 1200 cc इंजन विद हाइब्रिड ऑफर किया जाता है। और इसके बोनट के ऊपर भी यहाँ पर आपको जो है डबल कट्स दिया जाता है जो कि इसके फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा प्राउड बनाता है। बोनट के बाद ऊपर आ जाते हैं जी इस गाड़ी का वाइपर एरिया काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा बनाया गया है और इसमें आपको ऑटो का फीचर नहीं ऑफर किया जाता। फिर ऊपर की तरफ ये गाड़ी आपको रडार भी ऑफर करती है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो बाकी गाड़ी की तरह साइड प्रोफाइल भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश से नजर आती है। यहाँ पर आपको जो है इसके बम्पर के सॉरी इसके रिम के ऊपर यहाँ पर जो है आपको ब्लैक कलर की गार्निश की हुई नजर आती है जो कि रियर साइड तक जा रही है, इसके फ्रंट लुक को काफी ज्यादा प्राउड बनाती है। और इसके रिम साइज की अगर बात की जाए तो इसकी डिटेल आपको बताता चलो तो ये आपको 17 इंच का रिम ऑफर करती है। इसकी डिटेल 195/60/17 ये आपको 17 इंच का रिम ऑफर करती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ई स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग लगी हुई नजर आती है लेफ्ट एंड राइट, और ये आपको रियर साइड पर भी नजर आएगी। साथ ही साथ फिर आ जाते हैं इसके साइड मिरर। इसके साइड मिरर एडजस्टेबल हैं, अटैचेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी ऑफर किया जाता है और इसमें आपको जो है इंडिकेटर भी ऑफर किया जाता है। इसके बाद ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा भी व्यू ऑफर करती है तो यहाँ पर आपको इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों मिरर पर कैमरा भी दिया जाता है। फिर इसका फ्रंट इसके डोर हैंडल आपको जो है क्रोम के साथ नजर आते हैं, यहाँ से मैं इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। ये गाड़ी आपको रियर साइड से ये कुछ लुक ऑफर करती है, लाइक यहाँ पर आपको जो है इसका फ्यूल का सिस्टम आप लोग यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। जब गाड़ी अनलॉक होती है तो ये ओपन होता है, जब लॉक होती है तो बिल्कुल भी नहीं ओपन होता। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी लाइट्स की तो ये आपको LED लावा लाइट्स दी जाती हैं और जब आप लोग रियर साइड का कैमरा ऑन करते हैं तो वो भी आपको LED में ऑफर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है ई स्मार्ट की बैचिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको जो है पार्किंग सेंसर और ये इस गाड़ी का लैंप ऑफर किया जाता है। ये गाड़ी आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पे दो दो पार्किंग सेंसर ऑफर करती है और रियर साइड पे ये आपको लैंप, फ्रेशर, वाइपर, ऑल दिस सारी की सारी चीज़ें कवर करती है। यहाँ पर भी आपको जो है ब्लैक कलर ट्रू टोन में नज़र आती है। यहाँ पर आपको जो है रेस के नेम की बैचिंग दी गई है। और फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो लाइक इसके की में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं दिया जाता, लाइक ये कुछ इस तरह से मूवेबल है या ऐसे ये कुछ इस तरह से मूवेबल है, गाड़ियाँ लॉक होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट बटन भी दिया जाता है। और ये है जी इस गाड़ी की ट्रंप कैपेसिटी, यहाँ पर आपको जो है अच्छी खासी कैपेसिटी ऑफर की जाती है, लाइक यहाँ पर आप लोग जो है 4-5% का सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर बड़े बॉक्स हों तो वो आप लोग 3% के लिए इजीली कर सकते हैं। रियर साइड पे आपको जो है लाइट्स दी जाती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसके टूल बॉक्स की तो ये है इस गाड़ी का टूल बॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सा बनाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो है इसकी बैटरी भी दी जाती है। गाड़ियों की हाइब्रिड जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं लाइक उनकी बैटरी आपको रियर साइड पर ही ऑफर की जाती है। और इस गाड़ी के अगर टूल बॉक्स की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है जैसा आप लोग देख सकते हैं। और रियर साइड की अगर आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए तो आप लोग इसकी रियर पैसेंजर सीट्स को मूवेबल करके एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये इस गाड़ी का प्यारा सा इंटीरियर है। सबसे पहले इसको मैं जो है आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ, लाइक फ्रंट डोर से अगर शुरू किया जाए तो प्लास्टिक की गार्निश। इसके बाद यहाँ से आप लोग जो है लॉक या अनलॉक करेंगे। नीचे की तरफ आपको जो कंट्रोल दिए जाते हैं, ऑल विंडोज की पावर विंडो ऑफर की जाती है जैसा आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो फीचर ऑफर किया जाता है ये इसके साइड मिरर का है। और यहाँ से आप लोग जो है इनको फोल्ड या अनफोल्ड, लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं वन प्रेस पे ये कुछ इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड होते हैं। और इनमें आपको ऑटो का फीचर भी ऑफर किया जाता है।
यहाँ से आप लोग जो है इसके साइड मिरर को लेफ्ट एंड राइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आप लोग जो है ऑल विंडो को लॉक या अनलॉक करेंगे। नीचे की तरफ आपको जो है छोटा सा स्पेस एरिया दिया गया है, लाइक कंपेस्टी एरिया, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डबल कप फोल्डर दिया गया है। अच्छी खासी स्पेशियस जो है आपको कंपेस्टी ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको जो है बेस दी जाती है, जहाँ से आप लोग म्यूजिक सुनेंगे। फिर इस गाड़ी के इंटरेस्ट की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मानी जाती है वो होती है इस गाड़ी की सीट्स। इस गाड़ी की सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सी नज़र आ रही होंगी, बट फिर भी हम लोग जो है अभी बैठेंगे फिर पता चलेगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये आपको मैनुअल से एडजस्टेबल दी जाती है। नीचे की तरफ ये गाड़ी आपको जो है दो पैडल ऑफर करती है, लाइक रेस और ब्रेक, क्योंकि ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ऑफर की जाती है। और फिर यहाँ से अगर फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कप फोल्डर दिया जाता है, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सा है, लग्जरी सा आपको नजर आता है जब आप लोग इसको ऐसे प्रेस करते हैं। ये कुछ इस तरह से मूवेबल है। नीचे की तरफ आपको जो कंट्रोल दिए जाते हैं ये इसकी हैंड लाइट्स का है। नीचे की तरफ आपको इसका जो है दिया जाता है कंट्रोल, इसका जो है रडार का कंट्रोल है, ये इसका डिफ्टिंग मोड है, और यहाँ पर आपको इसका जो है पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये आपको SPLD का फीचर भी ऑफर करती है। और अगर आपने एक्स्ट्रा फीचर भी डलवाने हैं तो वो आप लोग यहाँ पर डलवा सकते हैं। फिर इसके बाद बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट डैशबोर्ड की, सो डैशबोर्ड के तरफ जाने से पहले मैं आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ, तो यहाँ से चलते हैं आगे। इस गाड़ी के अगर मीटर की बात की जाए तो ये आपको इलेक्ट्रिक सा नज़र आता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और ये गाड़ी आपको जो है बैटरी पर भी चलने का फीचर ऑफर करती है और फ्यूल पर भी। इसके बाद इसका जो है मीटर भी आपको ऑटोमेटिक ऑफर किया जाता है। और इस गाड़ी के अगर फीचर्स की बात की जाए तो सब के सब आपको इसका जो है स्टेयरिंग व्हील ही एडजस्टेबल दिया जाता है, लाइक यहाँ पर आपको जो है फीचर दिए जाते हैं वो इसके सोशल मीडिया भी कवर करते हैं, और इसका 360 डिग्री कैमरा व्यू जो है वो यहाँ से कवर करता है। आगे कवर करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है इसका टर्बो का फीचर ऑफर किया जाता है, और यहाँ से आप लोग इसके जो है मीडिया, यहाँ पर आप लोग जो है इसका स्पीड एडजस्ट, स्पीड कम ज़्यादा, ये इसका स्पीड का कंट्रोल हो गया, ये इसका सोशल मीडिया कवर हो गया, और ये इसका जो है ड्राइविंग मोड है। इसके बाद इसका स्टेयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल है, आप लोग इसको ऊपर नीचे कहीं पर भी एडजस्ट करके ड्राइव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राइट साइड पर कंट्रोल है वो इसकी हेड लाइट्स के, इसमें आपको ऑटो का फीचर भी ऑफर किया जाता है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो इसका वाइपर एरिया, इसमें आपको ऑटो का फीचर बिल्कुल भी नहीं ऑफर किया जाता। और इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी ज़्यादा आपको कवरिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा नज़र आता है, लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये इस गाड़ी की जो है फ्रंट स्क्रीन है, इसको आप लोग टच भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ दिए गए बटन से भी, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी आप लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर दिए गए बटन से भी। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको जो है डबल इशारा दिया जाता है, यहाँ पर आपको जो है इसके AC के कंट्रोल दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसके जो है AC के कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल से बनाए गए हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं इसका पावर बटन आपको जो है लेफ्ट साइड पे ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर होने के बाद नीचे की तरफ आपको इसके जो है AC में भी ऑटो का फीचर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर नीचे की बात की जाए तो इसकी फ्रंट दोनों सीट्स जो है वो हीटेड आपको ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर आप लोग जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और एक यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर सॉरी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है छोटा सा कंपेस्टी एरिया दिया जाता है, और इसकी लेफ्ट एंड राइट दोनों सीटें जो है वो हीटेड हैं, इनको आप लोग जो है यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर आ जाती है इस गाड़ी की गियर कलेक्शन। इस गाड़ी की गियर कलेक्शन है PRNDB, और ये कुछ इस तरह से मूवेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसकी जो है पार्किंग ब्रेक दी जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकली है, और इसके बाद यहाँ पर भी आपको जो है क्रोम की नज़र आती है। यहाँ पर आपको जो है डबल कप फोल्डर दिया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल से बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है डैशबोर्ड इसका कह सकते हैं आप लोग, इसका फ्रंट बोक कह सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छी खासी कैपेसिटी ऑफर की जाती है, और ये साइज़ में अच्छा खासा स्पेशियस है, आप लोग यूँ भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर फिर आ जाते हैं जी फ्रंट पैसेंजर। फ्रंट पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक की गार्निश तो मिलती ही मिलती है। इसके बाद सेम टू सेम वही कप फोल्डर आपको ऑफर किया जाता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फ्रंट बॉक्स दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से मूवेबल है, और इसमें भी आपको अच्छी खासी कैपेसिटी ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके डोर में काफ़ी ज़्यादा क्रोम की नज़र आती है। और फिर बात कीजिए इसके सनरूफ की, तो ये गाड़ी आपको जो है इसका मिरर यहाँ पर जो है एडजस्टेबल दिया जाता है। इसके सनरूफ की गाड़ी आपको नहीं ऑफर करती, ये है एक फैमिली यूज़, बट इसमें अगर सनरूफ हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सा था। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है लाइट्स दी जाती हैं, ये कुछ इस तरह से भी मूवेबल है। यहाँ पर अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पर आपको जो है मिरर ऑफर किया जाता है, इसमें लाइट्स आपको बिल्कुल भी नहीं ऑफर की जाती। सेम टू सेम फ्रंट पैसेंजर, और यहाँ पर आपको जो है इसका रडार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बैठने के बाद इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल और कवरिंग के साथ बनाई गई है, मुझे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों से बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। ये है जी इस गाड़ी का रियर पैसेंजर डोर, यहाँ से आप लोग कुछ इस तरह से इसको जो है अनलॉक करते हैं, ये अभी आपको क्रोम के साथ ऑफर किया जाता है।
सबसे पहले यहाँ पर अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर जो है बेबी लॉक ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है इसकी पावर विंडो ऑफर की जाती है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लॉक या अनलॉक किया जाता है। ये भी स्टाइलिश सा थोड़ा बहुत बनाया गया है, बट ये है प्लास्टिक की गार्निश में। नीचे की तरफ आपको इसका जो है कप फोल्डर दिया गया जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो है स्पीकर दिया जाता है और ये इस गाड़ी की रियर पैसेंजर सीट्स हैं। ये गाड़ी जो है 48,000 किलोमीटर ओनली चली है और ये जो है 2021 मॉडल है। एनीवे फिर भी हम लोग इसके अंदर जो है अभी बैठते हैं और देखते हैं हम जो है कितने ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। लाइक ये सीट्स जो है मैं जो है यहाँ पर कम्फर्टेबल बैठा हूँ और फ्रंट पर भी मैं जो है कम्फर्टेबल सा बैठा हुआ था। और यहाँ पर जो है मुझे लेग साइड से और हेड साइड से भी कोई इशू नहीं, अच्छी खासी कैपेसिटी ऑफर की जाती है। और इसकी ऑल विंडो पे आपको जो है डोर हैंडल भी ऑफर किए जाते हैं जैसा आप लोग देख सकते हैं, और ये आपकी हेल्प के लिए लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो है लाइट्स दी जाती हैं जो कि देख सकते हैं रियर साइड पे। यहाँ पर आपको जो है अलग से दो सी टाइप चार्ज दिए जाते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है अपने दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं एक टाइम पे। और रियर पैसेंजर के लिए अलग से आपको एसी वगैरह तो नहीं ऑफर किए जाते। और यहाँ पर आपको जो है तीन एयर बैग्स भी ऑफर किए जाते हैं। लाइक यहाँ पर 3% ईजिली बैठ सकते हैं, अगर फोर भी बैठना चाहिए तो वो बैठ सकते हैं, बट वो ज़्यादा मेरे ख्याल में कंफर्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको जो है तीन एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं, ये भी आप लोग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है तीन सीट बेल्ट वगैरह भी ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटी एरिया। अब बात करते हैं इस गाड़ी के, यहाँ से ये आपको ये कुछ भी ऑफर करते हैं और साथ साथ इसके इंजन की और फिर इसका स्टार्टअप दिखाते हैं। सो बाकी गाड़ी तो आप लोगों ने देख ली होगी। इस गाड़ी की अगर इंजन साइज की बात की जाए तो ये आपको जो है 1200 cc इंजन ऑफर किया जाता है जैसा आप लोग देख सकते हैं। बट दिस टाइम इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ है, ये जो है अभी फ्रेश इंपोर्ट है और ये जो है 24 की इंपोर्ट है। और इस गाड़ी में जो आपको 1200 cc इंजन ऑफर किया जाता है विद हाइब्रिड। और इसकी अगर एवरेज की बात की जाए तो डिपेंड ऑन यू ड्राइव, बट ये आपको जो है 21, 22, 24 की एवरेज इजीली प्रोवाइड कर सकती है। आप इसको जैसा ड्राइव करते हैं वैसा आपसे बिहेव करती है। तो बात करने का मकसद ये था कि इस गाड़ी को जो है 20+ ही देगी, बाकी डिपेंड ऑन यू ड्राइव। ऊपर की तरफ आपको इसके बोनट के ऊपर यहाँ पर जो है मैट भी लगा हुआ नजर आता है। और बाकी ये गाड़ी की ये कुछ कंडीशन थी। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। ये इस गाड़ी के स्टार्टअप होने के बाद यहाँ पर आपको जो है फीचर बताती है। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पीड को, आप लोग यहाँ से जो है आप लोग इसके काफी सारे फीचर्स और काफी सारे मोड इसके ऑफर किए जाते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग इसको जो है काफी सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। और ये था इस गाड़ी का जो है रिव्यू। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी की अभी जो है ये स्टार्टअप है, तो यहाँ पर आपको जो है इसका 360 डिग्री कैमरा, ऑल दिस सारे के सारे फीचर इज दिस टाइम इज दिस वर्किंग, ये सारे के सारे अभी जो है काम करते हैं। आप लोगों को ये जो है वेलकम तो ये कुछ यूं करती है, बट जब आप लोग इसको जो है डाउन करते हैं मतलब गाड़ी को ऑफ करते हैं तो ये आपको ऐसा कुछ व्यू ऑफर करते हैं लाइक सी यू। सो यार गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर वक्त मिल सके। सो आपका नॉलेज के लिए बताते चलो तो ये इस गाड़ी का जो है आज का रिव्यू था। बाकी अगर कोई बात रहती हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट मैं उसकी जो है इंप्रूवमेंट कर सकूँ। तो फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता दें जरूर गाड़ी की कंडीशन तो आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है 2021 मॉडल है, 2021 मॉडल है और इस गाड़ी की डिमांड 72 लाख रुपीज है और ये गाड़ी जो है 48,000 किलोमीटर चली हुई है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। और आपकी इस गाड़ी के बारे में क्या राय आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।